हेलो वंडरफुल प्लांट लवर्स, कैसे हैं आप सभी। ये ग्रीन धरा ऑर्गेनिक नर्सरी का सेकंड पार्ट है जो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये डम कैन की काफ़ी खूबसूरत वैरायटी है जो अंकल के पास अवेलेबल है। साथ ही आपको फाइलोडेंड्रॉन की भी बहुत सारे वेरिएशन, इवन रोज़ की भी वैरायटी जो है, पेपर रोज़ से लेकर आपको इंग्लिश रोज़, देसी रोज़, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। जिस एरिया में अंकल का घर है, ये बलदेव नगर है, मैं आपको मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आप देख सकते हो। और इस वीडियो का जो पहला पार्ट है वो मैं आपको आई बटन पे जाकर, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हो। ये देखिए, ये पेपर रोज़ भी है। तो एक छोटा सा एक मैसेज के अगर आपके पास रूफटॉप गार्डन है, बॉल्कनी गार्डन है, फ्रंट गार्डन है, बैकयार्ड गार्डन है, आपके पास कोई भी फ्लावरिंग सीड्स हैं जिन्हें आप नहीं ग्रो कर रहे हैं, या फिर कोई कटिंग्स वगैरह हैं जो आप जब भी आप गार्डनिंग करते हैं तो उन्हें रिमूव करते हैं, प्लांट की आप प्रूनिंग कर रहे हैं, तो जो भी कुछ आपके पास कलेक्ट होता है, सीड हुए, स्टैम्प्स हुए, तो वो आप अंकल को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपकी तरफ से एक सहयोग हो सकता है नेचर को खूबसूरत बनाए रखने के लिए। अपना एक योगदान आप भी इसमें कर सकते हैं। तो अपने घर से निकलने वाले जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स हैं या फिर जो भी स्टैम्प्स वगैरह हैं, वो यहाँ आप बलदेव नगर अंकल का एड्रेस में मेंशन कर दूंगी, आप यहाँ दे सकते हैं, ताकि आपके ही साथ साथ वो लोग भी अपने घरों को फूलों से और हरियाली से भर सकें। तो सीड्स और कटिंग आप यहाँ ला के दे सकते हैं। चलिए अंकल के गार्डन की तरफ अपना रुख करते हैं। क्रोटन है, कॉमन है, क्रोटन है, अरेलिया आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अरेलिया, ये सारी ग्रीनरी लॉकडाउन की देन है। ये बॉन्साई जी जी बिल्कुल लॉकडाउन की देन है। एक ये देखिए, ये एक यूनिक प्लांट और दिखाऊं आपको। अरेलिया, ये देखिए आप, ये बिल्कुल यूनिक कैमेलिया है। ये नहीं, ये है टर्मिनेलिया। टर्मिनेलिया रूट्स जमीन में चले गए अंकल। ये टर्मिनेलिया है, मेंटालिया, ये मैक्सिकन प्लांट है जी। एक जयपुर के अंदर एक बड़ा सा पेड़ था जी, उस पेड़ पे इसके बीज आ रहे थे जी। तो मैंने अपने ऑफिस जाने से पहले वहाँ पे रुके ड्राइवर ने, और मैंने ये बीज इकट्ठे किए और इसके पौधे तैयार किए। और ये टर्मिनेलिया आज फुल ग्रोन हो रहा है, ये करीब 2 साल पुराना टर्मिनेलिया है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी, बहुत अच्छी ग्रोथ है। एक तो वो वहाँ पे सामने दिख रहा है, वो तो करीब 10 फीट से ऊपर है। अच्छा, ये जो लंबा जो लंबा है ना, एक फिर स्टेल फॉर्म है, ये करीब 3 साल पुराना। इसकी कट्स कितने हैं, फिश की तरह है जी, इसको कहते हैं फिश फॉर्म। और ये मेरा एक हरदम शौक रहा है कि जहाँ कहीं पे भी कोई यूनिक प्लांट दिखे और वहाँ उसका बीज कहीं दिख रहा हो तो मैं बीज इकट्ठा करके और इसके पौधे कर। ये तो मैंने बीज से पौधे तैयार किए। तो पाम की अपने पास कितनी वैरायटीज मिल जाएंगी यहाँ पर? पाम की मेरे पास 10 से 12 वैरायटीज है। ओके, सिंगल पाम में भी अपने पास 10 से 12 वैरायटीज हैं। और ये पाम जो फिश टेल पाम है, मैं एक शादी में गया था जी, और वहाँ पर बारात में रात को हम माउंट आबू में कोई होटल में रुके थे जी, तो वहाँ मैंने देखा तो वहाँ पर बीज नीचे गिर रहे थे। तो मैं कहा कि अगर बीज इस पोस्ट पर रहते हुए बीज को इकट्ठा करेंगे तो लोग हंसेंगे। तो मैं रात को 4 बजे उठ के और उनको बीज को इकट्ठा करके और अपने साथ लेके आया और फिर इनको पौधों को तैयार किया। तो मुझे अंकल आप कुछ कुछ मेरी तरह, बिकॉज मैं तो फिक्र नहीं करती। अगर किसी ने कटिंग करी और सड़क पर फेंक दी तो मैं बेझिझक होकर अपनी गाड़ी साइड लगाती हूँ और डंडियाँ अपनी गाड़ी पर रख के घर ले आती हूँ, बिल्कुल नहीं शर्माती। पूरे थैली भर के और लाके जहाँ भी जाता हूँ बीज एक लेके आ जाता हूँ या डाली तोड़ के ले आता हूँ, अपने थैले में भरा जी। और फिर आते ही सबसे पहले रात को पहुँचे तो पहले रात को कटिंग लगाता हूँ और उसके बाद में अपना डिनर वगैरह जो भी गए बाद में करता हूँ। पर ये एक ऐसा जुनून चढ़ गया है कि पौधे तैयार करना है मुझे अलग अलग तरह के। अमरूद है जी, और ये ग्राफ्टेड अमरूद है, इसमें ये अमरूद आ रहे हैं जी। और ये गमले के अंदर है, इसके साथ साथ में ये गमले के अंदर है, इसके साथ में ये लेयरिंग की है, ये लेयरिंग के साथ में ये 2 पौधे अलग से तैयार हो जाएंगे। ये गुआवा की कौन सी वैरायटी है? ये L19 है। ओके, और ये ग्राफ्टेड है जी। और अमरूद आ रहे हैं,
इसी तरह से ये पास में आम का पौधा है, इसमें भी आम आते हैं। ओके। इन्हीं से ग्राफ्टिंग कर करके, और ये रबर प्लांट है जी, और इस रबर प्लांट में भी ये लेयरिंग करके और इसके और अलग से पौधे तैयार किए जा रहे हैं। तो ये एयर लेयरिंग मेथड में आपने क्या यूज़ किया हुआ है इनमें? इसके अंदर मॉस है जी, और ये अपने कोकोपीट है और काली मिट्टी है, इसको तीनों। किसी दिन ये मेथड भी ज़रूर सीखेंगे कि आप भी कैसे कर रहे हैं। हाँ जरूर जरूर। और इस एयर लेयरिंग का सबसे बड़ा सक्सेसफुल है वो है नींबू में, लेमन के अंदर, लेमन के अंदर। और लेमन के अंदर ये देखिए, अभी 15 दिन पहले ये एयर लेयरिंग से ये पौधा तैयार किया और प्रोफ्यूज फ्लोरिंग आ रही है, इतनी ज़्यादा फ्लोरिंग आ रही है कि मेरे ख्याल से इतना वजन झेल भी नहीं पाएंगे ये, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्लोरिंग आ रही है। ये सारा एयर लेयरिंग की वजह से ही है। ओके, ये एयर लेयरिंग से रेडी किया हुआ लेमन है, रेडी किया हुआ लेमन। एक इसके पीछे भी है, उसमें काफ़ी बड़ा लेमन आ भी रहा है। एक और है, ये देखिए कितनी बड़ी फ्रूटिंग हो रही है इसको, मैं आपको हाथ पे रख के दिखाऊँ, ज़बरदस्त, इतना बड़ा साइज है मैंगो का। और ये भी एयर लेयरिंग से ही रेडी किया हुआ है। और ये लेमन ग्रास आप यहाँ देख रहे हो ना, ये ओवरऑल जो है वो लेमन ग्रास रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए इसको, देखिए एयर लेयरिंग से नींबू, देखिए कम, बहुत बड़ा साइज है लेमन का, किस तरफ भी आया हुआ है। ये भी एयर लेयरिंग से तो ये मदर, ये मैं मदर प्लांट बनाए हैं, मदर प्लांट बना के मेरे फील्ड में लगाऊंगा, मेरे कुएं पे लगाऊंगा और फिर इससे एयर लेयरिंग करके और पौधे आम पब्लिक को दूंगा, ताकि अच्छे से अच्छे पौधे, अच्छी क्वालिटी के पौधे ले। इनमें काफ़ी अच्छा रस वगैरह भी बहुत अच्छा निकलेगा इनमें, इनकी बिकॉज क्वालिटी से पता चल रहा है। 12 महीने इसके अंदर आते रहते हैं, साल में 2 बार इसकी फ्रूटिंग होती है जी। तो दोनों बार में ये इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग होती है कि इसकी, आपने ग्राफ्टिंग से तैयार किए हैं तो इनकी लंबाई तो ज़्यादा जाएगी नहीं, तो आप इसे रेडी अपने अपना हाथी 5 या 6 फुट तक ज़्यादा से ज़्यादा ना जी जी, ठीक है। ये पीछे की तरफ जो मैं देख रही हूँ सारा बॉन्साय कलेक्शन है, ये भी यहीं पे सारा रेडी किया हुआ है। पाम की पूरी ओवरऑल वैरायटी यहाँ पे रेडी की हुई है अंकल ने, सब्जियों का भी कर रखा है, सब्जियाँ भी हैं, ये मिर्च लगे हुए हैं यहाँ पे, मिर्च है उधर, पालक है नीचे, ये जो छोटी क्यारियाँ हैं इसमें पालक है, स्पिनिच लगे हुए हैं, मेथी है। बॉन्साई में क्या क्या कलेक्शन आपका रेडी है अंकल, और ये सेलिंग में अगर आप देते हैं तो क्या रेट्स पे हैं ये? ये सेलिंग मेरी 800 रुपये से लेके 2000 रुपये तक के बीच की है। ओके। और ये मैं इनको पूरा तैयार करता हूँ, और यहीं पे जो कोई सेल लेना खरीदने आता है तो मैं इनको जैसी पौधा है वैसी क्वालिटी है, जैसी उसकी स्थिति है उस अनुसार उसकी रेट मिनिमम रेट पर भेजता हूँ। ऐसा नहीं है कि इसको मैं बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रेट लगा रहा हूँ, 800 से। हाँ, बिकॉज देखा जाए तो बॉन्साई को बनने में एक लंबा टाइम पीरियड होता है उसका, आसानी से बॉन्साई बन के रेडी नहीं होता, तो उस अकॉर्डिंग ही उसके प्लांट के चार्जेस लगते हैं। करीब 200 रुपीज़ पर ईयर प्लांट्स के चार्जेस चार्ज करता हूँ जी, फिर उसके अनुसार ऊपर नीचे देख लेते हैं, उसी हिसाब से सेफ बनाता रहता हूँ। ये बॉन्साई एक बहुत अच्छा बिजनेस है, टाइम पास बहुत अच्छा है, और लिमिटेड पौधों के अंदर अच्छी इनकम हो सकती है जी। तो इनको ये एक युवाओं के लिए इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, और इन पर एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट का जरिया है ये बॉन्साई बनाने का। एक क्रिएटिविटी है, बिकॉज घर के अंदर आप वो सारे प्लांट लेकर आ सकते हैं जो आपने कभी सड़क के किनारे या किसी खाली पड़ी ज़मीन पर ही देखे होंगे। आगे और यहाँ क्या रखे हुए हैं? ये देखिए, ये कंपोस्ट भी आप बना रहे हैं, लीफ कंपोस्ट भी बना रहे हैं। इधर ये चल वर्मी कंपोस्ट है। ये मैंने घर के अंदर, ये घर के अंदर वर्मी कंपोस्ट बनाया है जी। ये वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट है, ये बेस्ट क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट है, और इसके अंदर वर्म्स मैंने करीब 1 किलो वर्म्स डाले थे। Okay. और 1 टन गोबर खाद डाल के, और इसके बाद में सब्जी वगैरह पत्ते जितने भी इसके प्लॉट का कचरा है जी, वो सारा कचरा यहाँ डालता हूँ, और okay. इस कचरे से
मेरे को खाद परचेज करनी थी। आपने घर के आंगन में ही बनाया है तो लंबाई वगैरह और इसकी डेप्थ वगैरह कितनी रखी है आपने? ये देख लीजिए, ये मुश्किल से 1.5 फीट तो डेप्थ है जी, ये करीब 15 फीट। अच्छा, उस वॉल से लेकर पूरा यहाँ तक करीब 2 फीट 2 से 2.5 फीट चौड़ाई है। ठीक है। और इसको इसके अंदर वर्मी कंपोज तैयार करके मेरे को कोई भी देसी खाद परचेज करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, यहाँ पे जो दूर प्राइवेट नर्सरीज वगैरह जो दूर से होती है, जो कॉमर्शियल होती है जी, वो सिर्फ एक मुर्डा मिट्टी है उसको यूज़ करके और जो बहुत ही पुअर सॉइल है उससे पौधे तैयार करते हैं। और वो पौधे जब आदमी खरीद के और ले जाता है, फील्ड में ले जाता है, तो वो उसका जैसे ही थैली को फाड़ता है तो वो सारे बिखर जड़ें अलग हो जाती है और एन के एन प्रकरण वो आखिर में उस पौधे को मरना पड़ता है। ये तो है। जबकि मेरे यहाँ पे जो भी पौधे तैयार होंगे उसके अंदर मैंने देसी खाद, मुर्डा खाद मिट्टी और लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी को तीनों को बराबर 1:1:1:1 के रेशो में मिक्स करके छान के और फिर इसके पौधे तैयार किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो थैली होती है वो रूट्स के अंदर, रूट्स के साथ में इसको जम जाती है और ये एक पिंड नुमा बन जाती है। तो जब थैली को फाड़ेंगे तो ये बिखरेगा नहीं, बिखरने से रूट्स इसको बाइंड कर लेती है, इससे नहीं बिखरने से ये पौधा 100% चलेगा, किसी तरह की इसके रूट डिस्टरबेंस नहीं होती है, इसलिए ये पौधा। हाँ, बिकॉज नर्सरीज पे हम लोग जब प्लांट खरीदते हैं तो काफ़ी महंगे प्लांट बाय करते हैं। हाँ। और घर लाने के बाद जब पता चलता है कि प्लांट एकदम कितना ही बचा लो, सेव नहीं हो पाता और डेड हो जाता है, तो वो जो मनी लॉस होता है ना वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एक ये गारंटी से साथ कर रखा है कि अगर कोई पौधा मेरे यहाँ से ले जाएगा और 10 दिन के अंदर कोई पौधा मर जाता है किसी कारणवश जी, तो उसको मैं फ्री रिप्लेस करता हूँ। वाह अंकल, ये ऑफर कहीं नहीं है अजमेर में। तो ये इसलिए मेरे, क्योंकि ये मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मेरे यहाँ से जो पौधा जाएगा वो कभी मरेगा नहीं। बहुत अच्छी है, मतलब एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग वो पौधा नहीं मर सकता क्योंकि ये इसकी रूट डिस्टर्बेंस नहीं होती है। ओके। इसके अंदर कहते हैं कि ये जब फ्लोरिंग आती है तो इसका मतलब बारिश, बारिश का इंडिकेटर है जी। और तो मैंने इस पूरे साल 3 महीने के अंदर इसको नोट किया है कि जिस दिन ये फ्लोरिंग आएगी उस दिन बारिश आएगी। आज ये आज क्या था, 21 अक्टूबर हो गया है। हाँ जी। 21 अक्टूबर में मानसून जा चुका है और सडनली कल इसमें फ्लोरिंग आई एकदम, पता नहीं लगा। आज बूंदाबांदी हुई है, लेकिन आज बूंदाबांदी हुई है, तो ये एक मतलब बहुत अमेजिंग प्लांट है, अमेजिंग प्लांट है और ये फ्यूचर बताता है। ये अपने पंडित जी ये फ्यूचर बताते हैं, जैसे ये भी प्लांट है जो बारिश को फ्यूचर बताता है, सेटेलाइट से लिंक है डायरेक्ट। क्या नाम है अंकल इसका? ये नेटुरा है, नहीं मैं इसको टेक्सस सेज कहती हूँ, ल्यूकोफाइलम फ्रूटिकोसा के उससे। आपने इसको भी कटिंग से या एयर लेयरिंग से रेडी किया हुआ है क्या अभी? हाँ है मेरे पास है। ओके, ये रहा है, आपको बता देता हूँ। तो आपने कटिंग मेथड यूज किया है या एयर लेयरिंग मेथड यूज किया है? इसके अंदर ये रहा, ये जुवेनाइल कटिंग है और इस कटिंग का ये ऊपर का टिप है, इसको नीचे से काट के लगा दिया तो ये पौधा तैयार हो गया। अच्छा, मतलब इतना बारीक सा स्टेम भी इसका प्रोपगेट हो गया है? प्रोपगेट हो गया, बहुत एक हेयर जितना पतला है। और तो आपने क्या किया, सिर्फ प्लांट की टिप से इसको ले लिया है? ले लिया। और इसका जो बड़ी टिप लगाई है तो ये मर गया। ओहो। और ये छोटी टिप लगाई तो ये चल गया। दोनों में कंपैरिजन करिए, बड़ा पौधा नहीं चलेगा, छोटा चलेगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई अंकल इसकी। ये सारे इनके बॉन्साई कलेक्शंस हैं, ये हम सेकेंड अपना वीडियो में लेंगे, बिकॉज अभी वीडियो में सब कुछ कवर करना एट ए टाइम पॉसिबल नहीं है। प्लांट्स काफ़ी सारे हैं, पाम्स क्वालिटी, एयर प्योरीफायर प्लांट्स क्वालिटीज़ ये आपको सब में मिल जाएगी और जगह से वाजिब में। और जैसा कि अंकल ने कहा कि अगर यहाँ से ले जाया हुआ कोई भी प्लांट आपका विद इन 10 डेज डेड होता है तो अंकल उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिप्लेसमेंट करेंगे। इसके चक्कर में ऐसा नहीं है कि आप बार बार आके प्लांट बाय कर सकते हैं, पर आप प्लांट बाय कीजिए। अदर्स के कंपैरिजन में आपको बहुत रीजनेबल पॉकेट फ्रेंडली प्लांट्स यहाँ से मिल जाएंगे।
तो विजिट बनता है, प्लीज़ विजिट करें। इसके साथ साथ ये देखिए वेजिटेबल गार्डन भी है अंकल का, विजिट करना और इस जगह को एक्सप्लोर करना हमारा बनता है, बिकॉज किस तरीके से पूरे लॉकडाउन में ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और इसके पीछे जो मेहनत लगी है वो सिर्फ इंडिविजुअल अंकल की ही है। टेरेस पे इन्होंने पूरा वेजिटेबल गार्डन बनाया हुआ है, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही वो भी शेयर करें। सॉइल हर चीज़ अंकल का अपना रेडी किया हुआ है, प्लांट डेड होने की कंडीशन जो है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हुए अंकल ने बेहतरीन सॉइल बनाया है जिससे प्लांट आपका रहे। ज़रूर आप लोग यहाँ विजिट करिए, गो ग्रीन सेव नेचर।